यार यहाँ पे कुछ बच्चे मिले हैं और इनसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ. सो यू आर ऑल फ्रॉम मोल्डोवा राइट? यस. एंड व्हिच पार्ट ऑफ मोल्डोवा इज लाइक किशिनिया और लाइक आउटसाइड ऑफ किशिनिया? आउटसाइड. आउटसाइड. Okay. The children, so they have a future. We hope they have a future. Right. We believe in democracy. Hello. यार इन दोनों के साथ बैठा हूँ मैं. And can I put you in the vlog? No problem. No problem. क्या क्या जब इट? Igor. And you? And Dmitry. स्टेशन पे ना एक्सचेंज वाला बूथ था, मैंने यहाँ से एक्सचेंज कराया है. मेरे को मिले एक यूरो के 18.65. ठीक प्राइस दिया है भाई ने. यूजुअली 19 से 19.5 ही होते हैं, तो मैंने 5 यूरो ही कराया अभी. बाद में फिर बाद में अच्छा रेट मिलेगा बाहर, तो वहाँ से करा लेंगे. यार ऐसे मॉन्यूमेंट्स ना सोवियत यूनियन के टाइम पे बनाए जाते थे. इसमें लिखा है यहाँ पे इन मेमोरी विक्टिमलर दिपरतालियर रिगेम्यूल कम्युनिस्ट. भाई मैं ये पकड़ रहा हूँ कि भैया सोवियत यूनियन के टाइम पे बनाया था, कम्युनिस्ट टाइम्स में बनाया था. Video. Это видео? Да, видео, это видео. Да. Hello. Привет. Hello. Hello. यार इन दोनों के साथ बैठा हूँ मैं. एंड कैन आई पुट यू इन द व्लॉग? नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. क्या क्या जब इगर. एंड यू? एंड दिमित्री. तो यार दोनों का कॉफ़ी पी रहे थे. स्पेसिफिक बोल शो फॉर चॉकलेट एंड कॉफी एंड स्टोरी शेयर कर रहे थे. ट्रक ड्राइवर था. भाई अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को दिखा रहे थे और भाई बता रहे थे पोलैंड. पोलैंड इंडियन स्पाई. इंडियन स्पाई. इनको लग रहा था भाई ऐसी ऐसी अजीब जगह जा रहा हूँ. स्पाई कैमरा स्पाई. ये भाई अलेक्जेंडर पुश्किन स्ट्रीट और ये मोल्डोवा कैपिटल किशिनिया. मोल्डोवा इज ऑल्सो द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन यूरोप. क्यों है क्यों नहीं है इसके पीछे रीज़न क्या है मेरे को नहीं पता, क्योंकि यार टूरिस्ट सेंट्रिक नहीं है बहुत. सोवियत यूनियन का जब बंटवारा हुआ था 1991 में, तो मोल्डोवा का अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी. उसके बाद से 30 साल हो चुके हैं और मोल्डोवा ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बदला नहीं है. आपको यहाँ पे ना काफ़ी रेमिनेंट्स दिखेंगे पुराने टाइम्स के, जो इंटरेस्टिंग भी है. जिनको सोवियत चीज़ों में इंटरेस्ट आता है उनको इंटरेस्ट लगता है. जैसे अपने यूट्यूबर हैं बोल्डन बैंकक्रप्ट, उन्होंने बड़ी मोल्डोवा की वीडियोज़ बनाई हैं जो मैंने भी देखी थी. ये चर्च है यहाँ पर. तो मैं हूँ अलेक्जेंडर पुश्किन स्ट्रीट में और मैं बता दूँ मोल्डोवा की पॉपुलेशन करीबन 2.6 मिलियन है, जिनमें से करीबन 670,000 लोग, मतलब 6,70,000 लोग किशिनियाव में रहते हैं. किशिनियाव कैपिटल है. और मोल्डोवा जैसे मैं बता रहा था सोवियत यूनियन का पार्ट था पहले, उसके बाद बंटवारा हुआ तो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई. और मोल्डोवा में एक डिस्प्यूटेड रीजन भी है, ट्रांसडनिस्त्र जैसे पहले बोलते थे, या त्रिनिस्त्रोविया, जहाँ पर मैं कल जाने की कोशिश करूँगा, जो एक रशियन एक्सक्लेव है. मोल्डोवा उसको अपना पार्ट मानती है बट वो अपने आप को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं. ये नेटिविटी चर्च है, देख सकते हो भाई. बहुत खास तो नहीं कहूँगा, बहुत चर्चेस देखे हैं बट अपने आप में ठीक है. यहाँ पे गार्डन सराउंडिंग है. तो देखते हैं भाई किशिनियाव में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या होते हैं. मोल्डोवा में मज़ा आता है नहीं आता? पहले मैं कुछ यूक्रेनियन से मिला था यार, मेरे ना हॉस्टल में थे, वो दोनों यूक्रेन के थे. एक ट्रक ड्राइवर है, वो पूरे यूरोप में ट्रक चलाते हैं, और दूसरा का मेरे को पूछा नहीं उनसे कि क्या प्रोफेशन है उनका, वो पोलैंड में काम करते हैं. तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब. लेट्स एक्सप्लोर मोल्डोवा, देखते हैं किन लोगों से मिल पाते हैं नहीं मिल पाते. भाई जो अभी किशिनियाव है और जो सोवियत टाइम पे था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और जो लोगों को सोवियत चीज़ें पसंद है ना, उनके लिए भाई ये एक ड्रीम लैंड होगा. वैसे मोल्डोवा में मैं शायद ज़्यादा दिन नहीं हूँगा,
बिकॉज ना तो मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज आती है. लैंग्वेज यार यहाँ पे रशियन ऑलमोस्ट सारी जनता बोलती है और यंगर जनरेशन को इंग्लिश भी आती है. बट जैसे मैं कह रहा था, इनका सोवियत पास्ट रहा है यहाँ पे. और आप ओल्डर जनरेशन से बात करोगे ना, आप इवन रशिया जाके या यूक्रेन जाके ओल्डर जनरेशन से बात करोगे ना, वो उनका यही मानना था कि सोवियत यूनियन काफ़ी ग्रेट था. इट वॉज़ टू बिग टू फॉल. किसी को पता नहीं था कि यार इतना बड़ा एम्पायर गिर जाएगा एंड विल बी डिसइंटीग्रेटेड इनटू सो मेनी कंट्रीज़. पुराने लोगों को वो ना, जो बूढ़े लोगों को वो स्टेबिलिटी पसंद थी जो सोवियत यूनियन देता था उनको. उनको किसी चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं होती थी. और उनके मायनों में कैपिटलिज्म गंदा था कि उनको ये ठीक था कि भाई गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे, बट सब कुछ देती थी उनको गवर्नमेंट, खाना पीना रहना सब कुछ. तो पुराने लोगों से मेरी बातचीत करनी है, बट उनको ना तो इंग्लिश आएगी ना मेरे को रशियन आती है, तो वो एक दिक्कत होती है. नहीं तो मैं काफ़ी सोवियत बूढ़े लोगों से बात करना चाहूँगा. ये है भाई मोल्डोवा. मोल्डोवा फ्लैग आपको हर जगह दिख जाएगा. रोमानिया और मोल्डोवा का फ्लैग काफ़ी सिमिलर है. बीच में सिर्फ जो एम्बलम है ना वो नहीं है रोमानिया वाले में, बाकी सिमिलर है, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट. और ये है भाई किशिन्याव. मेरे हिसाब से तो काफ़ी मॉडर्न है यार, काफ़ी सही है. और सड़कें टूटी हुई नहीं है. मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था भाई, सड़कें और स्टेप्स टूटी हुई थी. ये महाराज की फोटोग्राफ है. और यहाँ पे ना आपको पुलिस विमेन पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी दिख जाएंगे. सामने ही है मेरी, ये काली सी ड्रेस पहनी होती है. और यार देखो भाई, लड़का तो मैं भी हूँ, इंसान तो मैं भी हूँ भाई. ईस्टर्न यूरोप में जो विमेन है उनके इतने अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं ना यार, क्या बोलूँ मैं. इस्पेशली मोल्डोवा, यूक्रेन, इवन रशिया, इनके बहुत नेचुरली बहुत ही फिजिकल फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं. तो यार आपको यहाँ पे जो पुलिस वुमेन दिखेंगी ना, आपको लगेगा भैया सुपर मॉडल है. बहुत बड़ा पार्क है, इसका नाम नीचे आ जाएगा, इसमें वॉक लेते हैं. ऐसे पार्क्स और बुलेवार्ड्स तो पूरे यूरोप में ही होते हैं, बट अभी पतझड़ का सीज़न है, फॉल है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार. और कुछ फैक्ट्स शेयर करते हैं आपके साथ कि भाई आप पूछोगे कि इज़ मोल्डोवा पार्ट ऑफ शेनेगन या यूरोपियन यूनियन. भाई शेनेगन का तो पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने की उसमें है, कोशिश में है. बट यूरोपियन यूनियन को ये लगता है कि भाई अगर उन्होंने मोल्डोवा को डेवलपमेंट के पैसे दिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हैं कि भाई वो कुछ डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे नहीं. और ये कुछ हद तक मेरे हिसाब से सच होगी, क्योंकि कुछ साल पहले भी ये आया था कि एक पॉलिटिशियन ने यहाँ की जीडीपी की 10% ले के भाग गया था वो किसी कंट्री में. यहाँ की जीडीपी उस टाइम पे करीबन $10 बिलियन थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है एक कंट्री के लिए, ऑफ 2.6 मिलियन पीपल. $10 बिलियन की इकॉनमी थी, वो $1 बिलियन के करीब ले के फरार हो गया था. तो आप सोच सकते हो भाई कि यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं चाहेगा मोल्डोवा को अपना पार्ट बनाना. और ये लोग 30 साल हो चुके हैं इनको सोवियत यूनियन से निकले हुए, बट यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है. किशिन्याव के बाहर आप जाओगे आपको लगेगा बस गांव ही गांव है, कुछ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है. तभी आप बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखोगे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कंट्री की. और यहाँ पे सोवियत पास्ट है ज़रूर है इनका, बट इवन दो होंगे उन पे कोई अट्रैक्शंस बनाई नहीं गई हैं. आपको ये दिख जाएंगे पुराने आई थिंक लीडर्स की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्क पे. ये सेंट्रल पार्क है यहाँ पे किशिन्याव का, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, तो मेंटेन्ड है भाई. यहाँ पे पूरे चेयर्स और ये सब पूरी पेंटेड हैं जहाँ तक मैंने देखा है. यहाँ पे तो मेरे को डेवलपमेंट दिखी है, हो सकता है रिसेंटली हुई होगी लास्ट 4-5 साल में, बट पहले बहुत लोग जो टूरिस्ट आते थे या ट्रैवलर्स आते थे वो कहते थे भाई ये बिल्कुल ही टूटी फूटी हैं सड़कें, टूटी फूटी हैं. और दैट्स नॉट अ इमेज ऑफ यूरोप दैट अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स हैव, बिकॉज मोल्डोवा यूरोप का ही पार्ट है, तो इसलिए. बट अभी तक सो फार सो गुड. जानते हो भाई लोग ये क्या है, इट्स अ सोवियत मोज़ेक. वी हैव फाउंड आवर फर्स्ट सोवियत मोज़ेक. क्या कारीगरी करी गई है भाई ये, मेरे को नहीं पता ये तब के टाइम का है अभी बनाया, बट मेरे को लग रहा है ये सोवियत मोज़ेक ही है. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, बट बड़ा प्यारा सा लग रहा है.
यहाँ से चलते हुए जा रहा था और मिल गया यार। और सोवियत मोज़ेक दिख गए जो सोवियत यूनियन के टाइम पे बनाए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ना बहुत सारे बने हुए हैं। और एक पार्क आया है, ये फाउंटेन है भाई जो चल नहीं रही, यहाँ पे बहुत फाउंटेन है बट कोई भी नहीं चल रही, गवर्नमेंट पैसे नहीं पे करते होंगे, ये देखो खाली पड़ी है, सूखा पड़ा है भाई। फाउंटेन यहाँ पे बहुत है बट कोई भी चलती हुई नहीं देखी मैंने अभी तक। मैं यार इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तो यार मोल्डोवाना एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन से पहले रोमेनिया का पार्ट था। रोमेनिया में एक और पार्ट है मोरदाविया और ये है मोल्डोवा, ये तो रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा है भाई, एक सॉवरेन कंट्री है रिकग्नाइज्ड बाय रिकग्नाइज्ड बट तिरास्पोल जो है वो रिकग्नाइज नहीं है, वो कोई भी कंट्री उसको रिकग्नाइज नहीं करती है, सिर्फ आई थिंक रशिया करती है एज अ एक्सक्लेव ऑफ देयर ओन कंट्री। और अभी यार काफ़ी टेंशन है उस बॉर्डर पे, क्योंकि तिरास्पोल अगर आप देखोगे ना मैप पे वो यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत पास है, तो मेरे को नहीं पता मेरे को एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट कुछ लोग गए अभी लास्ट कुछ हफ्तों में, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बट वो कल जाऊंगा, आज तो किशनियावी एक्सप्लोर करेंगे। आई विल गिव यू फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ दिस सिटी, क्योंकि यार कोई आया नहीं है, जहाँ तक मैं भी सर्च कर रहा था ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही इतनी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, तो देखते हैं भाई क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिनको सोवियत एडवेंचर्स में इंटरेस्ट है भाई देखते रहो। यार यहाँ पे ना कैस्केड है, उस पर स्टेप्स बने हुए हैं, तो वहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है। पास में आसपास में गार्डन्स है और स्कूल के बच्चे हैं, सारे स्कूल के बच्चे हैं मेरे पीछे, इनकी स्कूल की छुट्टी हुई है शायद, छुट्टी हुई है। YouTube दा दा दा, you can say hello, privet. Nickname YouTube. My name? Da. Vagabond. On YouTube? On YouTube दा, you can search me. Yeah. Right. तेरे से बच्चे हैं मेरा YouTube चैनल पूछ रहे थे। I can show you. यार यहाँ पे कुछ बच्चे मिले हैं और इनसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सो यू आर ऑल फ्रॉम मोल्डोवा राइट? यस। एंड व्हिच पार्ट ऑफ मोल्डोवा इज लाइक किशिनिया और लाइक आउटसाइड ऑफ किशिनिया? आउटसाइड। आउटसाइड। ओके, सो यू आर ऑल फ्रॉम स्कूल एंड फॉर एक्सकर्शन दा? यस। दा दा, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोल्डोवा एंड डू टूरिस्ट विजिट अ लॉट हियर? नो। यस। नॉट रियली। हैव यू एवर सीन एन इंडियन पर्सन बिफोर? या। You have? They came here to study. Yeah, yeah, medicine? Study. Yes, yeah. I think, okay, I understand. And so who do you meet here more, like tourists, like from Europe or like from where? From Europe. Uh-huh. And you're the teacher, right? Can I include you? Is it okay? I don't know, okay. Как вас зовут? English. My name is Elena. Elena? Yeah. Elena. Sid. Siddharth. Okay. Blogger, just to show people. Okay, one last thing. Has there been a lot of development in Chisinau and Moldova in last after the Soviet Union? Like, does the government do a lot of work or yes, no? Of course, there is some. And I know that the older generation, they saw the Soviet Union. Mm-hmm. Do you think that they, if it's okay if I ask, did they like that time more or do they like the time that is now? That's a questionable question. Uh-huh. but according to you, your perception. Yeah, I'm not from those times. So right, of course. At the end of Soviet Union. Right, like Brezhnev and, yeah. Yeah, so... Garbachev. Garbachev. We think nowadays is better, so our children, so they have a future. We hope they have a future. Right. We believe in democracy. We do believe that our future is in democracy. But do you think a lot of Moldovan people still go outside, like Germany or France, to work? Like in India also, we go to other countries to all work. All the people are in a search for a better life. Right, of course. Yeah, some travel for pleasure, some for money. Money. Yeah, for making a living, for money, right. For a better job, so everyone decides for himself. Okay, and super. If you refer to old people, you asked about old people. Right. They reminisce
that old golden days, of course. They do, right? Yeah. They were very proud of the achievements of the Soviet Union. They were young, they were strong at those times. That's why they like those times. We like our times. They like the stability at that time, before the collapse. They think that was their reality. And their youth. But the old generation then probably don't like what it is now then, because they liked the old time so much. They don't like changes. Ah, right. Yeah. Of course. That's with old people anyways. Yeah. Yeah. Okay. Super. Thank you so much. Thank you. Thank you. भाई हैं लेक के किनारे ये बड़ी बड़ी छोटी सी लेक है यार मैं मैप पे चेक कर रहा था मैप पे यहाँ पे डाल भी दूंगा इस लेक का नाम भी डाल दूंगा मेरे से प्रोनाउंस होगा नहीं तो मैं गलत नाम क्यों ही लूँ ये छोटी सी लेक है जो आप देख रहे हो ना इतनी सी है बस ये है तो ये मैन मेड हो सकती है मेरे को नहीं पता लग तो सही रही है बट ये हो सकता है मैन मेड लेक हो काफ़ी अच्छा नेचर है यार यहाँ के ना प्यारा सा यहाँ पे वॉक ले रहे हैं लोग पिकनिक विकनिक मना रहे हैं काफ़ी पीसफुल सी जगह है यार किशिनियाओ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है मेरे को स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि अट्रैक्शंस नहीं है ज़्यादा बट यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली यार आपने पीछे देखा वो बच्चे आके अपने आप बात कर रहे थे मेरे से और आधा तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा बिकॉज यार आप जब लोगों से मिलते हो पूरे टाइम मुँह पर कैमरा डालो तो वो भी थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं जैसे उनकी मैम थी मेरे को लग रहा था वो थोड़े बहुत ऑकवर्ड हो रही थी जवाब देने में तो मैंने उनसे 5-10 मिनट बाकायदा बात करी विदाउट कैमरा और मेरे को बहुत अच्छा लगा यार ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है जगहें बहुत देख ली हैं भाई लोगों से मिलना मोल्डोवन लोगों से मिलना उनका पर्सपेक्टिव जानना बच्चों से बात करना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है रात को शायद किसी ने पार्टी करी थी रिपब्लिका मोल्डोवा एस्ते पात्रिया मिया नो आइडिया व्हाट दैट मींस बट है यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था ना तो मोल्डोवन जो लैंग्वेज है ना वो रोमेनियन से काफ़ी आइडेंटिकल है ये लोग लैटिन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे ना सिरिलिक अल्फ़ाबेट में आपको काफ़ी चीज़ें लिखी हुई दिख जाएंगी क्योंकि ये सोवियत टाइम से है और रशिया यूजेस द सिरिलिक अल्फ़ाबेट यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है रशियन या फर्स्ट लैंग्वेज भी मान सकते हो बट अगर पॉलिटिकली करेक्ट हूँगा तो सेकेंड लैंग्वेज होगी रशियन पहली लैंग्वेज होगी मोल्डोवन और जो त्रिनिस्त्रोवे वाला पार्ट है वहाँ पर भी फर्स्ट लैंग्वेज मोल्डोवन ही है बट पुराने लोग और इवन नए लोग उन सबको रशियन आती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में अगर ना पढ़ें या पढ़ें वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से तो रशियन सीख ही लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे पुश तो मोल्डोवन के लिए करेंगे स्कूल्स में बट बच्चे अपने माँ बाप से तो रशियन सीख ही लेंगे और काफ़ी मॉडर्न लग रहा है यार मेरे को तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लग रहा है इट्स अ वेरी मॉडर्न सिटी मेरे को कोई टूटी फूटी जगहें तो दिखी नहीं जो व्लॉगर्स ने दिखाई हैं बट पता नहीं हो सकता आगे दिखे तो यार आपका भाई व्यस्त था अभी अंदर ना रेस्टोरेंट है ये टिकटॉक रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोगों से बात करने के लिए और ये मैंने खाना लिया वो बता रही थी यार अपनी लाइफ के बारे में कि उनके यहाँ टाइम नहीं है यहाँ पे ना वेजेस इतनी अच्छी नहीं है और कह रही थी इसराइल में काम करा ये सब मैंने पूछा मैं आपको वीडियो में डाल दूँ उन्होंने मेरा यूट्यूब मांगा बट वीडियो में डाल दूँ तो कहने की नहीं यार मेरा हस्बैंड को नहीं पसंद आएगा ये तो मैंने कहा ठीक है सबकी प्राइवेसी होती है और यहाँ पे ना काफ़ी कंजर्वेटिव है वेमेन आर क्वाइट कंजर्वेटिव अपने में दे आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिलीज़ जो अच्छी बात है ऐसी बात नहीं है और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई मोल्डोवा काफ़ी सस्ता है मैं कहूँगा कोसोवो वाले प्राइसेस मिल रहे हैं मेरे को ये मैंने बड़ा वाला लिया ये मेरे को करीबन पड़ा 250 यूरो का तो हो गया अपने 200 रुपये मेरे हिसाब से वो ठीक है इतना बड़ा है भाई ये तो इंडिया में भी आप लोग हैं पूरा तो 200 रुपये का ही पड़ेगा और मैंने सिम कार्ड लिया था भाई सबसे सस्ता सिम कार्ड मैंने आज तक लाइफ में ली 120 रुपये का जिसमें मिलेगी 20 GB ऑफ डेटा काफ़ी सही है यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं मेरे को मोल्डोवा काफ़ी पसंद आ रहा है खाते हैं भाई ये